नमस्कार दोस्तों, जैनी पिकल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और पिकल रेसिपी जो कि बहुत ही अलग है, और इसका नाम है कांजी वाली मिर्ची का पानी वाला अचार। इस अचार को बनाने में हम ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये अचार खाने में जितना टेस्टी है उतनी ही हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। तो ऐसा अचार जो खाने में बहुत टेस्टी हो और हमारे पाचन में भी हेल्प करे और बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो, तो ऐसी रेसिपी हमें बहुत जल्दी बनाने सीखनी चाहिए। तो आइए बनाते हैं कांजी वाली मिर्ची का पानी वाला अचार। आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कांजी वाली मिर्ची का अचार। इसके लिए हमने 10 से 12 ये बिल्कुल फ्रेश मोटी मिर्ची ली है। ये मिर्ची हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये खाने में तीखी कम होती है और जल्दी से गल जाती है। इन मिर्ची को हमने धोकर साफ कर लिया है, और सबसे पहले हम इन मिर्ची को बीच में से इस तरीके से कट लगाएंगे। एक इस तरीके से काटना है हमने सारी मिर्ची को। ये देखिए, हमने सारी मिर्ची को ऐसे बीच में से कट लगा लिया है। अब हम इस अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे, और इसका मसाला बनाने के लिए हम 3 बड़े चम्मच लेंगे राई। इस राई को हमने अच्छे से पीस लिया है, और राई थोड़ी हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि इस अचार में राई का ही सबसे अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद हम लेंगे 1/4 चम्मच, 1/4 से भी कम हल्दी, थोड़ा सा कलर के लिए। उसके बाद हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच मिर्च। मिर्च इसमें कलर भी अच्छा लाती है और तीखी भी होती है। इस मिर्ची में तीखापन नहीं होता है, तो जो इस अचार में तीखापन आएगा वो इसी लाल मिर्च से आएगा। उसके बाद हम लेंगे नमक। ये नमक मैंने सेंधा नमक लिया है, 1.5 चम्मच के करीब हम नमक लेंगे। इस अचार में हम नमक थोड़ा तेज ही लेते हैं। ये अचार मोस्टली राजस्थान की रेसिपी है, लेकिन ये रेसिपी डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो जब भी घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उससे पहले इस अचार को तैयार किया जाता है, जिससे कि जो हम हैवी फूड लेते हैं वो अच्छे से पच जाए। और ये हमने लिया है 1/4 चम्मच हींग। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और इस मसाले को हमने इन मिर्ची में बीच में इस तरीके से फिल करना, ऐसे इस तरीके से फिल कर देंगे। ये देखिए, ये सारी मिर्चों में हम मसाला भर चुके हैं, और ये जो मसाला है जो बच गया है इसका भी हम यूज करेंगे। अब हम एक मिट्टी का बर्तन लिया है हमने। ये रेसिपी कुछ जो हम कांजी वाला पानी बनाते हैं गाजर का सर्दियों में, उसी से थोड़ी मिलती जुलती है। और कांजी के पानी का जो टेस्ट है वो मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप कांच का बर्तन भी ले सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पहले आप उसको 1 दिन तक पानी से भरकर रखेंगे, और फिर उसमें हल्का सा ऑयल लगाकर फिर उसको अच्छे से साफ करेंगे, और फिर आप उसको यूज करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी लिया है, 2 बड़े कप। और ये जो बचा हुआ मसाला है ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम ये जो मिर्ची है उसको एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे। मैं इस मिर्ची के अचार को बनाने के लिए 2 दिन के लिए रखूंगी, जिससे कि जो इसमें राई है वो अच्छे से अपना टेस्ट दे दे। इस अचार को हम पानी को उबाल कर इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन जब अचार धूप में नेचुरल तरीके से टाइम देकर बनता है तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप इस अचार को इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो आप इसको पानी में मिर्ची इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं, आपका झटपट तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इस अचार को 2 दिन रखकर बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, मिर्ची अच्छे से पानी में डूब जानी चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको एक अच्छे साफ कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम इसको बांध देंगे अच्छे से।
और इसको हमें 2 दिन तक रखना है। 2 से 3 दिन में जो इसके अंदर हमने राई डाली है वो अपना जो टेस्ट है वो अच्छे से दे देगी। और इस अचार को अब हम 2 दिन तक रखेंगे और 2 दिन में ये अचार आपका बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। और ये अचार आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हो या कोई फेस्टिवल हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो अब हम इसको 2 दिन तक ऐसे ही, ये देखिए दोस्तों, इस अचार को अब हमें डाले हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। आइए अब हम इसे खोल के देखते हैं कि ये अचार हमारा कैसा बना है। ये देखिए, ये हमारा मिर्ची वाला अचार अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए, ये जो राई का पानी है जो आपको साइड में नज़र आ रहा है, इसका भी कलर कितना अच्छा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, ये जो मिर्ची है ये अच्छे से मसाले के अंदर रम चुकी है। हमने इसको उबाल के नहीं बनाया है तो इसलिए इसकी जो मिर्ची का जो क्रिस्पीनेस है वो अभी भी बरकरार है। अगर हम इसको उबाल के बनाएंगे तो ये मिर्ची बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये इसका राई का पानी है जो हमने पानी वाला बनाया था। ये मिर्ची का अचार, ये उसका पानी है। इसका भी कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये आपका पानी वाला कांजी वाली मिर्ची का अचार बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।